निप्पल वाला दुद्दू। तो हे भाई लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज से है दिवाली शुरू, और मतलब कुछ कुछ काम बाकी है। तो अभी ये तुलसी चौरा है, इसको साफ करके यहाँ पर पेंट करना है, और ये कार को भी धोना है, और ये बाइक्स को भी धोना है, और दोस्तों कुछ कुछ काम है उसको भी करना है। और क्या बोलते हैं, तो बिना ना है तो इसको नहीं छूना है, तो पहले नहाएंगे, उसके बाद इसको साफ करेंगे, उसके बाद इसको पेंट करेंगे। सिल्वर कलर लाया हूँ कल शाम को विश्रामपुरी से। तो दोस्तों हाँ, तो भाई लोग नहाना धोना हो गया, खाना पीना बाकी है, तो इसका भी सफाई हो गया है तुलसी चौरा का। तो कुछ देर बाद इसको भी पेंट कर देंगे, मतलब सिल्वर कलर से। उसके बाद वो शटर है उसको नीला कलर से पेंट करेंगे। तो दोस्तों खाना खाने के बाद मिलते हैं यार पेंट करते टाइम। तो गाइस यार काम शुरू हो गया यहाँ पर, आप लोग देख रहे हो, मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, इसको मिक्स करना पड़ता है। चलो देखते हैं काम करते। हाँ तो भाई लोग फाइनली जस्ट ये कंप्लीट हो गया है, मतलब हो गया कंप्लीट, ये मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो अब कार को धोना है, लेकिन कार को आज नहीं धोएंगे, कल धोएंगे। तो भाई लोग इसका काम तो कंप्लीट हो गया, इसको पेंट करके कंप्लीट कर दिए। तो अब मैं जा रहा हूँ घर के लिए किचन सामान लेने, मतलब राशन सामान लेने। तो खत्म हो गया है और दिवाली का सीजन है, तो कुछ कुछ सामान तो चाहिए ना हर घर में। तो आज मैं भी ला रहा हूँ मेरे घर के लिए, हमारे घर के लिए। तो चलो रास्ते में मिलते हैं। मेरे को जाने दो। क्यों? मेरे को दूध पीना है। तेरी मम्मी तो तेरे लिए खाना लेने के लिए गई है। नहीं, फिर भी मेरे को पीना है। चल जा जा। तो कहाँ गई तेरी मम्मी? तेरे को दूध पीना है क्या? चला मैं तेरे को पिलाता हूँ निप्पल वाला दूध। हाँ तो भाई लोग मैं पहुँच गया हूँ RCM वंडर वर्ल्ड। आप लोग देख रहे हो पूरा सामान है यहाँ से, अपने पसंद से निकालना है जो भी है तो निकाल लेते हैं हम। तो सामान लेना शुरू करते हैं। ये है तेल, टर्मरिक, चिली, कोरिंडर, और ये है आपका सब्जी मसाला, और ये है गरम मसाला, और ये है जीरा। अब गिन लेते हैं नहाने का साबुन। हाँ तो भाई लोग मैं अपने हिसाब से इतना सामान निकाल लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो देखते हैं कितना बिल बनता है, उसके हिसाब से और कुछ कुछ सामान लेंगे। हाँ तो भाई लोग ले लिए हैं सामान, 2780 रुपये का बिल बना है कुछ। तो अब यहाँ से जा रहे हैं घर, और भूख भी लगी है यार, तो कुछ कुछ खाएंगे जाके घर में। हाँ तो भाई लोग पहुँच गया घर, अब इस सामान को रख देते हैं किचन साइड, क्योंकि ये सब सामान उधर ही का है, मतलब किचन सामान है। हाँ तो भाई लोग RCM सामान तो लाया हूँ, अब लाया हूँ साथ में ये पुलाव। तो अभी इसको बनाएंगे वेजिटेरियन पुलाव को आशीष के साथ। हाँ तो भाई लोग ये तैयार हो गया है हमारा वेजिटेरियन पुलाव, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। हलवा झलवा बनाए हैं, ठीक ही लगा है। वैसे अपने हाथ का कुछ बनाओ घटिया लगने से भी अच्छा ही लगता है, क्या बोलते हो इस बारे में आप? तो भाई लोग मैं आया था विश्रामपुरी, और आप लोग देख सकते हो ना ये पूरा एक नंबर लाइटिंग लगी है, क्या मस्त घर में गजब सजावट किए हैं। आप लोग देख सकते हो मैं जस्ट पेट्रोल पंप के सामने खड़ा हूँ, पेट्रोल डलवाने के रुका था स्कूटी में। आप लोग देख सकते हो स्कूटी खड़ी है, और यहाँ पर लाइटिंग लगी है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, तो इसके पास लाइटिंग लगी है मस्त गजब लग रहा है। आप लोग देख सकते हो कैमरे में उतना अच्छा सा नहीं लग रहा, लेकिन पास जाके देखने से गजब लगता है। तो दोस्तों अब हम अपने घर का लाइटिंग दिखाएंगे, अब लाइटिंग तो नहीं लगाए लेकिन दिखाएंगे भाई गरीब घर का, मतलब मिडिल क्लास वालों का दीपावली कैसा होता है उसको दिखाएंगे कैसे। हाँ तो भाई लोग आप लोग देख रहे हो घर का सीन कुछ ऐसा है, और दो तीन दिए जले हैं, मिट्टी के दिए हैं, क्योंकि गांव में बनाते हैं कुम्हार लोग, तो उन्हीं से खरीद कर बनाते हैं, तो उनको भी पैसा मिल जाता है, और उनका भी दिवाली अच्छे से मना पाते हैं। तो दोस्तों ज्यादातर मैं आपको सजेशन करूंगा कि हाथ से बने ही कुछ चीज खरीदे, ज्यादा लाइटिंग का उपयोग ना करें तो ही अच्छा है, और ऐसे दिए जलते हैं तो बहुत सकारात्मक फील होता है, मस्त। हाँ तो भाई लोग आप लोगों ने देखा सीन कैसा है घर का। तो भाई लोग वैसे आज धनतेरस से बोल रहे हैं, तो आप लोगों को हैप्पी धनतेरस और आपके परिवार को भी। तो दोस्तों फिलहाल इस ब्लॉग का एंड यही करता हूँ यार, आई होप वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।